हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वैसे मैंने सेपरेटली लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को मैंने आपके लिए इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस बनाए हैं एक एक करके, तो उन वीडियो के लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिए हैं, अगर आपको देखने हैं तो उनको देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बेसिकली जो है एक क्या दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक ही टॉपिक मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। इसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट जो कि UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, या फिर TGT PGT जिसमें KVS DSSB EMRS NVS शामिल है, या फिर स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट PSC, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के काफी सारे कोर्सेज जो हैं BSI एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, TGT PGT जिसमें KVS DSSB EMRS NVS के कोर्सेज हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट PSC और PSG एंट्रेंस एग्जाम के भी कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप एनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी का क्या मीनिंग है, और इसके का जो कंप्लीट क्या इसका डिफरेंस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी को यहां पर आप एक कह सकते हो कि लिटरेरी थ्योरी एक तरह का आपके लिए बेसिक आइडिया या मेथड्स का काम करता है। किसको करने के लिए? जब भी आप प्रैक्टिकल रीडिंग कर रहे हैं लिटरेचर की, तो देखिए जब भी हम लोग कोई टास्क कंप्लीट करने चाहते हैं तो उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उसका एक वे ऑफ थिंकिंग बनाना पड़ता है, उसका वे ऑफ पैटर्न बनाना पड़ता है, जिस वजह से, जिस तरीके से उस पर्टिकुलर टास्क को हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो वो जो टास्क है यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करना है, और जो वो स्ट्रेटजी है वो आपका जो है लिटरेरी थ्योरी है। तो लिटरेरी थ्योरी एक तरह के उन आइडियाज या फिर मेथड्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, जो कि आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने में आपकी हेल्प करता है। तो प्रैक्टिकल रीडिंग जो है आपका क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और जो आइडिया है और जो मेथड है उन लिटरेचर को पढ़ने का, वो आपका लिटरेरी थ्योरी है। तो ये जो वीडियो है बहुत ब्रीफ रहेगा, जिसमें मैं पहले आपको लिटरेरी थ्योरी का मीनिंग बता रहा हूं। तो इसमें लिटरेरी थ्योरी जो है, हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी के अंदर जो लिटरेचर का जो वर्क है उसके मीनिंग के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करते, बल्कि हम उन थ्योरी को स्टडी करते हैं जिस वजह से उस लिटरेचर को हम लोग समझ सकते हैं। अगर वो लिटरेचर विक्टोरियन एरा का है तो उस समय की विक्टोरियन एरा की जो थ्योरी है, क्या हम लोग विक्टोरियन एरा की थ्योरी को स्टडी करके उस लिटरेचर के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं? उसको हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी कहते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर कोई भी ओरिजिनल वर्क जो है उसके मीनिंग को हम लोग जो है इंटरप्रिटेट नहीं करते, बल्कि उन थ्योरी को स्टडी करते हैं जिस थ्योरी से हम लोग उस लिटरेचर को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल और द मेथड्स और टूल्स बाय विच वी गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लिटरेचर। नाउ दैट लिटरेचर कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट मे बी पोएट्री, इट मे बी ड्रामा, इट मे बी नॉवल, इट मे बी नॉन फिक्शन, इट मे बी शॉर्ट स्टोरी। सो लिटरेरी थ्योरी जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल और मेथड्स और आइडियाज और टूल्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रियल लिटरेचर। तो वो जो है लिटरेरी थ्योरी, उसका मीनिंग होता है। तो लिटरेरी थ्योरी जो है हमारे पास, तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर क्या जरूरी होता है? तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर जो है हमें एक तरह से उस पर्टिकुलर कल्चर को समझने में आसानी होती है जिस कल्चर में इस ऑथर ने उस पर्टिकुलर लिटरेचर को इस्टैब्लिश किया है, उसे लिखा है। तो यहाँ पर जो लिटरेरी थ्योरी है, उस लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम जनरली जो है
उस कल्चर को स्टडी करते हैं, उसके ऑथर के जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको स्टडी करते हैं, रादर देन कि उस स्टडी उस लिटरेचर को पढ़ने की बजाय। तो यहाँ पर अगर हम लोग कल्चर की बात करें तो कभी कहा जाता है कि हम लोग इंडियन सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो इंडियन सोसाइटी के किसी भी पर्सन को समझने के लिए अगर हमें इंडियन सोसाइटी की मेंटेलिटी, उनका कल्चर पता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग द एवरी इंडियन, नॉट एवरी इंडियन बट द मोस्ट ऑफ द इंडियन पजेस। तो लिटरेरी थ्योरी जनरली जो है हमें कल्चर, हमें हमारी जो संस्कृति जो है, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं, या फिर उसका जो बैकग्राउंड स्टडी है, वो जो है उस तरह से पढ़ने को मजबूर करता है। सो लिटरेरी थ्योरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है लिटरेचर को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके प्रॉपर मीनिंग को देख सकते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी आर द जस्ट अ मेथड्स और द आइडियाज और द प्रिंसिपल और द टूल बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड और इंटरप्रिटेड और एनालिसिस द रियल लिटरेचर। इसके अलावा लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उन मेथड्स को समझना होता है, जिस मेथड से हम उस लिटरेचर के मीनिंग को समझ पाए, जिससे हमें लिटरेरी थ्योरी में लिटरेरी थ्योरी की वजह से, यानी बोला जाए कि लिटरेचर के अंदर जो जो भी वर्ड हैं, जो भी टर्म्स हैं, जैसे अगर मैं आज की बात करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले नहीं था। तो आप कभी भी इंटरनेट जो वर्ड है वो 50 साल पहले के जो लिटरेचर है उनमें उस टर्म को नहीं देखोगे, बट आज शायद ही कोई ऐसा लिटरेचर होगा जो मॉडर्न पीरियड में लिखा गया है और जो आज के समय में लिखा जा रहा है, जो आज की सोसाइटी के बारे में बता रहा है, उसमें इंटरनेट वर्ड ना हो। तो इंटरनेट वर्ड का क्या ट्रू मीनिंग है, क्या इसके पीछे का कल्चर है, क्या इसका पीछे की स्टडी है, ये सारी बातें जो है हमें लिटरेरी थ्योरी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो लिटरेरी थ्योरी आर जस्ट गिव्स अस द टेक्निकल टर्म्स और द देयर मीनिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर। नेक्स्ट, अब बात आती है लिटरेरी क्रिटिज्म की। व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिज्म एंड व्हाट आर द बेस्ट डेफिनेशंस फॉर लिटरेरी क्रिटिज्म और द मीनिंग ऑफ द लिटरेरी क्रिटिज्म, आई विल डिफाइन वन बाय वन। सो फर्स्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लिटरेरी थ्योरी वी हैव द आइडियाज, वी हैव द टूल्स, बट द लिटरेरी क्रिटिज्म इज द रियल मीनिंग और द रियल इंटरप्रिटेशन और द रियल एनालिसिस ऑफ द दैट पर्टिकुलर लिटरेचर। नाउ लिटरेचर कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट मे बी पोएट्री, इट मे बी ड्रामा, इट मे बी एनीथिंग, बट द लिटरेरी क्रिटिज्म इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट लिटरेचर। तो उस लिटरेचर का क्या मीनिंग है, तो लिटरेरी क्रिटिज्म इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिटरेरी थ्योरी और द मेथड्स टू पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर बाय विच वी कैन गेट द टोटल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर, दैट इज ऑल अबाउट द लिटरेरी क्रिटिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिज्म जो है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे आप एक बुक लेकर आए, उस बुक के जब आप अंदर के मीनिंग को, उसके टेक्स्ट को, उसके डीप इनसाइड मीनिंग को समझ लेते हैं, तब जो आप जो है लिटरेरी क्रिटिज्म की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो लिटरेरी क्रिटिज्म क्या वाक्य में क्रिटिसाइज करना होता किसी को, नहीं, क्रिटिसाइज करना नहीं है, दिस इज अ टर्म ओनली। तो जिसका टर्म है जब आप किसी दूसरे ऑथर के वर्क को समझकर अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, उसे हम लोग जो है लिटरेरी क्रिटिज्म कहते हैं। और जो पर्सन दूसरे के वर्क को एनालिसिस करता है, इंटरप्रेट करता है, उसे हम लोग क्रिटिक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिज्म इज अ प्रोसेस और द क्रिटिक्स इज अ पर्सन। ओके, द एक्चुअल यूज ऑफ मेथड टू बेटर अंडरस्टैंड द एक्चुअल टेक्स्ट मीनिंग व्हाट इज ऑल अबाउट नोन एज द लिटरेरी क्रिटिज्म। ओके, तो जब हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के रियल मीनिंग को उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम लोग उसको डीपली रीड करते हैं, तब हम लोग जो है इस प्रोसेस को लिटरेरी क्रिटिज्म जो है टर्म्स देते हैं। अब इसमें आती है कि लिटरेरी क्रिटिज्म जो है जनरली जो है स्टडी है, एनालिसिस है, इवेल्युएशन है, इंटरप्रिटेशन है लिटरेचर का। अब वो लिटरेचर किसी भी तरह का हो सकता है। सो लिटरेरी क्रिटिज्म इज जस्ट द रिव्यू और द जजमेंट
for of the any kind of work. So literary criticism just the value of a work. तो जब भी हम लोग जो है किसी person के work को properly personal level पर या फिर group level पर judge करते हैं, उसे हम लोग जो है literary criticism के term में उसको रखते हैं. So literary criticism जो है generally हम लोग जो है जो भी हम लोग जो कोई critic जो अपने word को लिखता है उसका review लिखता है, तो उस review का वो article form में भी publish करा सकता है या फिर essay form book में भी essay format में भी publish करा सकता है. और जब generally जो है इसको book format में भी जो है इसे publish कराया जाता है. ओके तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इसकी खुद की बहुत लंबी हिस्ट्री है जो कि प्लेटो के समय से चलती हुई आ रही है, क्योंकि प्लेटो और उस समय के जो फिलोसोफर थे वो भी जो उस समय की जो फिलोसफी थी उसको दूसरे के वर्क को एनालिसिस करती है अपने टर्म्स के अंदर अपनी समझ के अकॉर्डिंग. तो ये जो है आज भी देखने को मिलता है. तो जब हम लोग जो है किसी भी पर्सन को किसी के पर्सन के वर्क को या किसी भी पर्सन के ग्रुप ऑफ वर्क को जब हम लोग उसकी वैल्यू को चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्थिक वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है और उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या उसका कल्चर है, उसका सोशल सिग्निफिकेंस है उस वर्क का, तब हम लोग जो है उसे क्रिटिसिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रखते हैं. और इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज किसी भी वर्क की लैंग्वेज क्या है, क्या उसका डीप इनसाइड मीनिंग है, ये सारी पार्ट जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आते हैं. तो इसके अंदर कोई भी वर्क की ट्रू वैल्यू, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसकी सोशल सिग्निफिकेंस, उसका लैंग्वेज, उसका डीप इनसाइड मीनिंग जो है आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आता है. ओके तो ये जो था बहुत ब्रीफ वीडियो था जिसमें मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी के दोनों के मीनिंग को बताया आपको. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन है सवाल है आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ग्रुप का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए लिंक जो है उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है. इसके अलावा जो और भी वीडियो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सबके लिंक्स को भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, आप जाके उनको देख सकते हैं. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो. इसके अलावा हमारे कोर्स में एनरोल के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.